नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम सीपीसी की बात करेंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा यूज़फुल हो, इसीलिए मैं इसे थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शायद आप लोगों के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सीपीसी का काम। सीपीसी कब इफेक्ट में आई थी, किस तारीख से इफेक्ट में आई थी? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1909 को सीपीसी इफेक्ट में आ गई थी। सीपीसी की क्या ज्यूरिसडिक्शन है, लैंड ज्यूरिसडिक्शन क्या है? तो सीपीसी दोस्तों सारे होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करती है, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। तो जम्मू कश्मीर तो हम सबको पता है कि हमारे ज्यादातर कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, बट नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को बेसिकली एक्सक्लूड करने का रीजन शायद यही होगा क्योंकि वहाँ पे जो है ट्राइबल पीपल रहते हैं और वो समझते हैं कि लैंड सारी उन्हीं की है और उसमें उसका कोई दखल नहीं है। मेरे ख्याल से यही कारण होगा, इसीलिए वहाँ पे सीपीसी जो है लागू नहीं होती। सीपीसी में दोस्तों टोटल 158 सेक्शंस हैं और ये क्वेश्चन एक्चुअली कई बार पूछा जा चुका है जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने इसे डाल दिया। और ये नीचे वाला जो इसके क्वेश्चन है कि 2002 का अमेंडमेंट कितनी तारीख से इन्फोर्स हुआ था, तो इसका जवाब है 1 जुलाई 2002 से। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी बार जुडिशियल सर्विस के प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे डाल दिया, नहीं तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस है। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज़ अ डिक्री, डिक्री होती क्या है? अ डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कॉन्क्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन अ सूट। एक फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी कि जब एक बंदा जज जो है वो जज की कैपेसिटी में कोर्ट में बैठता है, वो उस मैटर को डिसाइड करता है और दोनों पार्टीज के बीच में राइट्स को परमानेंटली डिसाइड करता है जो उनके बीच में मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है। सपोज कि एक कहता है कि ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो उस कंट्रोवर्सी को जो डिटरमिन करता है, जो डिसीजन डिटरमिन करता है, उसे हम डिक्री कहते हैं। और ये जो राइट ऑफ द पार्टीज है ये कॉन्क्लूसिवली दोनों पार्टीज के बीच में उसे सॉल्व कर देता है। इट इज अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट, अ डिक्री मे बी प्रिलिमिनरी और अ फाइनल और बोथ। एक डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है और इट कैन बी बोथ। तो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है? प्रिलिमिनरी डिक्री मीन्स राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू सम और वन ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी, यानी कि जो पूरी तरह से मैटर को डिसाइड ना करे, वो एक ऐसी स्टेज में मैटर को लिया है जहां पे फाइनली किसके पक्ष में मैटर जाएगा ये डिसाइड किया जाए। जैसे कि पार्टीशन सूट में, कोई पार्टीशन सूट है उसमें कोर्ट जो है पार्टीज के ये डिसाइड कर देती है कि दैट एवरीबडी इज एंटाइटल टू देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। सपोज वन वन पार्टी इज क्लेमिंग द दैट इट इज माई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी एंड द अदर इज क्लेमिंग दैट इट इज दी एचयूएफ प्रॉपर्टी, इट इज द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो वहां पे क्या होगा, अब कोर्ट की जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो ये डिसाइड करेगी कि वेदर इट इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। अगर वो एक्सक्लूसिव डिटरमिन कर देती है तो फाइनली डिसाइड हो गई, इट्स अ फाइनल डिग्री। लेकिन वेन इट 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 डिसाइड्स दैट द मैटर इज दैट एवरीबडी इज एंटाइटल टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द प्रॉपर्टी, तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री हुई है क्योंकि अभी सिर्फ ये डिटरमिन किया है कि ये इन सब का राइट है, अभी ये डिसाइड नहीं किया कि किसका क्या शेयर है, किसको क्या मिलेगा, वो डिसाइड नहीं हुआ। जब वो डिसाइड हो जाएगा तो वो फाइनल डिग्री हो जाएगी। ये हो गई प्रिलिमिनरी डिग्री। एक डिग्री फाइनल डिग्री कब बन जाती है? वेन इट कंप्लीटली डिस्पोजेज ऑफ द सूट, जब वो जो सूट को खत्म कर दे और जो पार्टीज के बीच में जितने क्वेश्चन है उन सबको जब वो सॉल्व कर दे, उन सब क्वेश्चंस का जब आंसर दे दे, तो वो फाइनल डिग्री है। और उस डिग्री के अगेंस्ट कोई अपील ना फाइल करी गई हो या वो डिग्री सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हो।
अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज अ डिक्री होल्डर। डिग्री होल्डर कौन होता है? डिग्री होल्डर एक प्लेंटिफ हो सकता है, एक डिफेंडेंट हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके फेवर में कोर्ट का कोई ऑर्डर आए, एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर कोर्ट का कोई कोर्ट पास करे, भले ही वो बंदा कोर्ट में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ना हो, बट ऐसा कोई ऑर्डर अगर आ जाता है उसके फेवर में, देन ही कैन दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी अ डिग्री होल्डर। फॉरन कोर्ट क्या होता है? फॉरन कोर्ट मतलब है ऑब्वियसली ऐसा कोर्ट जो या तो भारत के बाहर है, भारत की टेरिटरी के बाहर है, या विच इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो हमारे देश की सरकार का जिसे हमारे देश की सरकार ने एस्टैब्लिश ना किया हो, या जो उसकी अथॉरिटी से कंटिन्यू ना होता हो। वॉट इज अ जजमेंट? मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑन ग्राउंड्स ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर। दोस्तों जब जब कोई जज डिग्री पास करता है तो उसके फेवर में वो ग्राउंड्स बताता है, वो एक्सप्लेन करता है कि उसने वो जो कंट्रोवर्सी जिस पार्टी के फेवर में डिसाइड की है वो क्यों की है। वो बताएगा कि आई फाउंड दिस एविडेंस टू बी मोर रिलायबल इन फेवर ऑफ प्लेंटिव एंड नॉट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, इस तरह से वो उसे एक्सप्लेन करेगा, उसे जजमेंट कहते हैं। जजमेंट में एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस होगी, उसमें इश्यूज होंगे दोनों पार्टीज के बीच में क्या इश्यूज थे, और डिसीजन एंड रीजन फॉर इट, क्या रीजन रहे जो जज साहब ने वो डिसीजन जो है उस पार्टी के फेवर में किया है। व्हाट इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जो मरने वाले का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम कहते हैं हिंदी में, वो पर्सन जो उसकी स्टेट यानी कि जो उसकी संपत्ति को लॉ में, हु इन लॉ रिप्रेजेंट इट इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जनरली इट इज द रिलेटिव्स ऑफ द पर्सन, बट इट कैन बी अदर पर्सन ऑल्सो। नाउ व्हाट इज मेंस प्रॉफिट? दोज प्रॉफिट which a person in wrongful possession of such property actually receives or might with diligence have received together with interest on such profit। मतलब कि ऐसे profit, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी की property पे कब्जा कर लिया, वो property बहुत prime location की property है, पर वो उसने उस property पे सिर्फ कब्जा किया, उसने उसे rent पे नहीं दिया या किसी तरह का उससे कोई business नहीं करा। अब दिस प्रॉफिट अगर वो उसे रेंट पे देता देन ही माइट हैव अर्न समथिंग, राइट? एंड वेन ही हैज नॉट अर्न दैट थिंग बट विथ डिलीजेंस ही कुड हैव अर्न दैट, तो दैट प्रॉफिट इज मेंस प्रॉफिट, बट इट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। अब सपोज कीजिए कि उस प्रॉपर्टी पे किसी पर्सन ने रॉन्गफुल पोजेशन कर रखा है, अब वो बंदा उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट करता है, लाइक उसमें उसको वो रेनोवेट करता है, उस प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने से जो प्रॉफिट आएगा, द राइटफुल ओनर वुड नॉट बी एंटाइटल टू दैट प्रॉफिट, ही वुड बी ओनली एंटाइटल टू द प्रॉफिट विच वुड हैव बीन रिसीव्ड बाय द पर्सन इफ इन वट एवर कंडीशन द पर्सन हैज टेकन द पोजेशन। ये मेंस प्रॉफिट होता है। सबसे पहले आप तीन सेक्शन नोट कर लीजिए, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 47। अभी हम जो दो सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 10 इज रेस सब जुडाइस एंड सेक्शन 11 इज रेस सब जुडिकेटा। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज रेस सब जुडिस। अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो जब किसी कोर्ट में किसी चीज के रिगार्डिंग पहले से कोई सूट है और वो कोर्ट उसको कॉम्पिटेंट है उस मैटर को डिसाइड करने के लिए, तो उस मैटर को डायरेक्टली और सब्सटेंशियली जो इशू है उधर प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में, आप उससे जुड़ा हुआ दूसरा मुकदमा नहीं फाइल कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो सब्सिक्वेंटली आप सूट फाइल कर रहे हैं उस पे स्टे लग जाएगा। मैं आपको थोड़ा और क्लियर करके समझाता हूं।
नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद ट्रायल ऑफ एनी सूट, यानी कोई भी सूट किसी सूट का ट्रायल नहीं लेगा, इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, यानी जिसके रिगार्डिंग पहले कोई मुकदमा दायर किया गया है, जिसके रिगार्डिंग पहले कोई मुकदमा ऑलरेडी दायर है उस मैटर और डायरेक्टली मैटर, मतलब मोस्ट मोटा मोटी मैटर दोनों का सेम ही है, दोनों सूट्स का, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड का भी और आफ्टर 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 आफ्टरली इंस्टीट्यूटेड सूट का भी, अगर मैटर एक ही है डायरेक्टली, तो कोर्ट उस मैटर का ट्रायल नहीं ले सकता इफ दैट सब्सिक्वेंट सूट बिटवीन द पार्टीज वेयर बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी कि पार्टीज सेम होनी चाहिए दोनों दोनों सूट्स में, एंड और जो जिस कोर्ट में वो मैटर डाला गया है प्रीवियसली जिस कोर्ट में वो मैटर डाला गया है उस कोर्ट को, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस मैटर को डिसाइड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि राम ने श्याम के अगेंस्ट एक मुकदमा डाला एक्स कोर्ट में फॉर रिकवरी ऑफ रेंट. अभी राम क्या करता है, एक और मुकदमा डालता है फॉर रिकवरी ऑफ रेंट ओनली फॉर सम लेटर पीरियड. पहले उसने मान लीजिए 2001 के लिए डाला था, अब वो 2002 के लिए डालता है, तो वो जो 2002 के लिए उसने सूट डाला है वो दैट सब्सिक्वेंट सूट शैल बी बार्ड बिकॉज द मैटर इज मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट. ये है रेस सब जुडाइस मोटा मोटी. लेकिन रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल तब अप्लाई नहीं होता जब प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग होता है. अगर किसी फॉरेन कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो यहाँ जो सेक्शन 10 का जो रेस सब जुडिस है वो अप्लाई नहीं होगा. ओनली अ रिविजन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 10. अगर सेक्शन 10 के अंडर कोई कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो उसके अगेंस्ट सिर्फ रिवीजन फाइल करी जा सकती है, उसकी कोई अपील फाइल नहीं करी जा सकती, उसकी सिर्फ रिवीजन फाइल करी जा सकती है. अगर मैं एकदम सिंपली बात करूं तो रेस जुडिकाटा का मतलब होता है थिंग्स वंस डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट शुड बी टेकन एज कॉन्क्लूसिव ट्रूथ अनलेस दे आर रिवर्स्ड बाय अ हायर कोर्ट. मतलब कि अगर एक बार एक मैटर डिसाइड हो गया पार्टीज के बीच में तो उस मैटर को अनलेस हाई कोर्ट उसे रिवर्स कर दे उसको फाइनल मान लेना चाहिए. अब उसके ऊपर दोबारा लिटिगेशन नहीं होना चाहिए उस इशू के ऊपर बिटवीन द सेम पार्टीज. रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल दो मैक्सिम्स पे बेस है, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिथियम. मतलब कि जो स्टेट है, जो देश है, लोग हैं, समाज है, उसका बेनिफिट इसी चीज में है कि लिटिगेशन का एंड हो जाए. नीमो दूसरी मैक्सिम जो है वो है नीमो डेबिट लिस वेक्सीरी प्रो उनो इटिडिन कॉजा. दूसरी मैक्सिम का मतलब ये नो वन शैल बी वैक्स्ड ट्वाइस ओवर द सेम कॉज ऑफ एक्शन. मतलब कि किसी भी आदमी को एक मैटर के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए. एक बार डिसाइड हो गया तो डिसाइड हो गया. अब इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मर जजमेंट मस्ट बी ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट. इट मस्ट बी डायरेक्टली स्पीकिंग अपॉन द मैटर इन सब्सिक्वेंट सूट एंड इट मस्ट बी बिटवीन सेम पार्टीज. मतलब कि जिस कोर्ट ने मैटर डिसाइड किया है वो कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए. उस मैटर में जिसमें जजमेंट आई है उसमें जो आपने जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है
उसके बारे में डायरेक्टली कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी हो और वो मैटर सेम पार्टीज के बीच में हो. रेस जुडिकाटा विल ऑपरेट बिटवीन प्लेंटिफ्स, डिफेंडेंट्स, ऑल द डिफेंडेंट एंड को डिफेंडेंट्स एंड को प्लेंटिफ्स. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए एक केस में एक प्लेंटिफ और चार डिफेंडेंट है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा जो सब्सिक्वेंट सूट हो उसमें वो एक उन चार में से एक डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ बन जाए और फिर दोबारा सबको पार्टी बना दे, तो वो नहीं चलेगा. वो दैट जजमेंट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा ऑन ऑल द पार्टीज. एक्सप्लेनेशन सिक्स, रेफर टू केसेज इन विच डिसीजन इन अ सूट मे ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा अगेंस्ट अ पर्सन नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड एज अ पार्टी टू सूट. बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है वो सेक्शन सिक्स में, एक्सप्लेनेशन सिक्स में दिया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन फोर में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा दिया गया है. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मतलब होता है वो इश्यूज, वो मुद्दे जो उठाए जा सकते थे प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में और वो नहीं उठाए, तो वो मैटर जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से बाहर हो जाएगा और उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हेबियस कॉर्पस रिट. यानी कि अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच रिट, तो द आंसर इज हेबियस कॉर्पस रिट. राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.